हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल अप्रोच के पार्ट थ्री में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके आगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और यूटिलिटी एनालिसिस का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेट वो रेट जिस पर कंज्यूमर अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकता है, उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये तो हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व में कि एक इंडिफरेंस कर्व एक ही लेवल का सेटिस्फेक्शन बताता है। उस इंडिफरेंस कर्व के सारे पॉइंट्स बराबर सेटिस्फेक्शन देते हैं, क्योंकि एक कॉमोडिटी या एक प्रोडक्ट कम होता है तो दूसरा ज़्यादा हो जाता है, यानी एक के बदले में दूसरा एक्सचेंज हो जाता है, और जिस रेट पर वो एक्सचेंज होता है उस रेट को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी एक का उसमें लॉस होता है और दूसरे का फायदा हो जाता है। एक प्रोडक्ट का गेन होता है, एक प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है। यानी इससे हमको ये समझ में आता है कि कोई भी कंज्यूमर किसी दो प्रोडक्ट के बीच में किस तरीके से एक्सचेंज करता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, और उस इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस से उस कंज्यूमर का टेस्ट हमको पता लग जाता है कि वो कितनी स्पीड में चेंज करता है दो कमोडिटी के बीच में, ताकि उसकी टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फैक्शन एक जैसा रहे। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बताता है कि अगर कोई कमोडिटी है एक्स, उसको हम वाई के बदले में कितनी और बढ़ा सकते हैं, यानी वाई लूज हो रहा है और एक्स गेन हो रहा है, एक में कंपनसेट हो रहा है एक में गेनिंग हो रही है। देखिए इसको इस एग्जांपल से समझिए। सपोज हम लोग एक टेबल लेते हैं और ये कॉम्बिनेशन हैं उसके एक से लेकर पाँच तक। पहला कॉम्बिनेशन है एक बनाना और 20 बिस्किट, ये हमको मिलाकर एक लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। अभी इसमें स्टार्टिंग में कोई समर्पित नहीं हुआ, कोई गेन या कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन जब हमने एक बढ़ाया बनाना तो हमारी क्षमता थी, एक बनाना जब हमने बढ़ा लिया तो हम 20 बिस्किट अब नहीं खा सकते, हमने 5 बिस्किट कम कर दिए, यानी एक पर 5 कम हुआ तो 1:5 का रेशियो हो गया। गेन हुआ एक्स में 1 और लॉस हुआ 5 वाई में। फिर एक और बढ़ाया बनाना तो कितना घटा, ये केवल 3 घटा। फिर एक और बढ़ाया और आखिरी तक एक पे एक हो गया। जब तक ये एक पे एक ना हो जाए तब तक हम इसको घटा सकते हैं, यानी धीरे धीरे वाई कम तो हो रहा है मगर उसकी कम होने की फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। पहले 5 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, यानी इसमें भी डिमिनिशिंग रेट होता है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अब इसको हम ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये ग्राफ बन गया उसका। इसमें ये लाइंस देखिए, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये यहाँ पर इतनी बड़ी है, फिर छोटी हो गई और इसके बाद और छोटी हो गई, फिर इसके बाद 1:1 की हो गई, यानी यहाँ पर 5 डिफरेंस था, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 और फिर 1। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि x में केवल एक एक का ही डिफरेंस आया है। तो इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब ये ग्राफ तीन तरीके से बनाए जा सकते हैं, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तीन प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक तो बाहर की तरफ बल्ज हो, यानी कॉनकेव कहाँ हो, ओरिजिन की तरफ, और कॉन्वेक्स हो बाहर की तरफ, एक स्ट्रेट लाइन और एक कॉन्वेक्स हो ओरिजिन की तरफ। सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, सी वाला, ये नॉर्मल केस है जिसमें धीरे धीरे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हो रहा है। ये जो लाइन देख रहे हैं ए से बी तक, सी से डी तक, ई से एफ तक, ये छोटी होती जा रही है धीरे धीरे, यानी डिमिनिश हो रहा है, ये नॉर्मल फीचर है। इसके बाद ये जो है बी वाला स्ट्रेट लाइन, इसमें कॉन्स्टेंट है, यानी कि यहाँ पर इनडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट डायगनल इनडिफरेंस कर्व हो जाएगा 45 डिग्री एंगल पर। ये कहने का मतलब ये है कि दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के परफेक्ट यानी इक्वल सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ये तो बड़ा अननेचुरल सा है, और अगर ऐसा हो भी जाए प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम उसको इनडिफरेंस कर्व में रखेंगे, क्यों? क्योंकि उसका पहला अजम्पशन था कि एक्स और वाई में डिफरेंस हो, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम हो नहीं सकता, लेकिन अगर हो भी गया तो भी हम इसको इंक्लूड नहीं करते। फिर ये है जहां पर बढ़ रहा है रेट, यानी जैसे जैसे कर्व नीचे की तरफ आ रहा है y और बढ़ता जा रहा है x के हिसाब से, x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, तो ये अननेचुरल या एबनॉर्मल केस कहलाएगा और ये इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में। मगर ये तीन कंडीशन होती हैं, इसीलिए इनको डिस्कस कर लिया।
कि पॉसिबिलिटी तीन कंडीशंस की है, हालांकि दो कंडीशंस होना बहुत मुश्किल है, ये सी वाली कंडीशन ही नॉर्मली हो सकती है और होती है। तो ये जो डिमिनिश हो रहा है इसका मतलब क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमको ये बताता है कि हर एक एक्स की यूनिट पर वाई कितना डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, या ऐसा कहें कि वो कंज्यूमर अपने वाई कमोडिटी को कितना कुर्बान करना चाहता है एक्स के लिए। जैसे एक और फिगर लेते हैं हम लोग, ये वाला, यहाँ पर वीट ले लिया, यहाँ राइस ले लिया और ये कर्व बनाया, ये चार पॉइंट्स हमने ले लिए, इन चारों पॉइंट्स में सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है? बराबर है, यानी जितना सेटिस्फेक्शन ये है उतना ही सेटिस्फेक्शन ये भी होगा, और उतना ही यहाँ पर मिलेगा और उतना ही यहाँ पर मिलेगा, चारों में हमको सेटिस्फेक्शन बराबर मिलेगा। लेकिन अगर हम दो पॉइंट लें आर टी उसी सेम डिफरेंस कर्व पर, तो ये एक ही जैसा सेटिस्फेक्शन लेवल बता रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन में भी और इस कॉम्बिनेशन में भी सेटिस्फेक्शन लेवल एक जैसा है। अब अगर हम लाइन खींचें तो वाई टू तक और एक्स टू तक, यानी कि इस टी पर और वाई वन तक एक्स वन तक इस आर पर हमको सेटिस्फेक्शन कंप्लीट मिल रहा है इस लेवल का। अब सपोज हमको एक्स वन से एक्स टू की तरफ जाना है, यानी कि हमने एक कॉमोडिटी बढ़ाई वीट की, एक यूनिट बढ़ाई, तो वाई उतना ही घट जाएगा उसी लेवल से, ताकि हमको बराबर सेटिस्फेक्शन मिल जाए। एक्स वन से अगर हम एक्स टू पर आते हैं तो हमको वाई वन से वाई टू पर आना पड़ेगा, ताकि हमको एक टी लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल जाए। और इस लेवल को पाने के लिए क्या होगा, हमने इसको कुर्बान कर दिया, वाई वन से वाई टू पे आ गए, यानी यहां से लेकर वाई वन और यहीं से लेकर वाई टू इनका माइनस हुआ, तो एक तरीके से ये डेल वाई हो गया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसको मैं और डिटेल करूंगा जब हम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इतना बता रहा हूं आपको कि आर एस अपॉन एस टी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक यूनिट एक्स की। अच्छा, एस टी अपॉन आर एस क्यों नहीं किया? सपोज एक्स में 50 गेन हुआ तो 20 का घाटा हुआ वाई में, तो 50 गेन इक्वल टू 20 लॉस। तो जब हम वन गेन का पता लगाना चाहते हैं तो 50 कहाँ जाएगा, लॉस वाले के नीचे, यानी कि आर एस ऊपर होगा और एस टी नीचे होगा। इस तरीके से हम ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रोफेसर हिक्स ने बताई हैं, कि अगर हमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझना है तो तीन प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। पहला है कि एक कमोडिटी बढ़नी चाहिए और दूसरी डिक्रीज होना चाहिए, जो कमोडिटी बढ़ रही है उस मार्जिनल सिग्निफिकेंस लोअर हो, और तीसरी चीज जो कमोडिटी डिक्रीज हो रही है उसका मार्जिनल सिग्निफिकेंस हायर हो। जैसे हमारे केस में जब एक्स बढ़ रहा था तो उसका मतलब क्या है कि उसको जो वाई मिल रहा है वो कम से कम मिल रहा है, यानी लोअर मार्जिनल सिग्निफिकेंस है उस एक्स की, एक्स के बदले में वाई कम होता जा रहा है, लेकिन वाई के मुकाबले एक्स ज्यादा है, इसलिए वाई को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, जो डिक्रीज हो रहा है उसके पास हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस है, उसकी वैल्यू हाई है, दैट्स इट। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप कैसे होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल यूटिलिटी में। अगर आपने ये दोनों पार्ट देख लिए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे वाला वीडियो।